हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे की टिक्की, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है और ये हमारे यहाँ सर्दियों के सीज़न में बनाई जाती है। तो पहले हम लेते हैं गुड़, फिर गुड़ में डालते हैं गर्म पानी, फिर हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हमने लिया है बाजरे का आटा और इसको भी हम छान लेते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। छानने से होगा क्या, जो भी इसमें थोड़ा बहुत जो भूसी होती है वो इस तरह से बाहर निकल के आ जाएगी। देखिए इधर हमारी गुड़ भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब हम लेंगे तिल सफ़ेद वाली, इसी आटे में हम डाल देंगे इसको। थोड़ी ज़्यादा ही डालिए तो और अच्छा लगेगा इसका स्वाद। अब हम तिल को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने गुड़ रखी थी उसको चलनी की सहायता से छान के इसमें डाल देंगे इस तरह से, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गीला ना हो, ना गीला हो ना टाइट हो। इसमें थोड़ा सा हम मेयोनेज़ डाल देंगे। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, एक आटे का डो बना लेंगे। चलनी से छान लेंगे इसलिए क्योंकि इसमें जो भी कचड़ा होगा गुड़ में वो सारा बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए हमारे बच्चे बाजरा की रोटी तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए वो बाजरे की ये टिक्कियाँ खा लेंगे। इसलिए हमें इसको सर्दियों में ज़रूर बनाना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तेल को हम एक साइड में गरम होने के लिए रख देते हैं, फिर हाथ में थोड़ा मोयन लगा के इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने तेल रखा था उसमें छोटी सी टिक्की बना के डाल देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें तीन या चार जितनी भी टिक्कियाँ आएंगी, हम थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से उलटते पलटते हम इनको धीमी आँच पे हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से सेंक लेंगे। सर्दियों में बनाइए और इसको अच्छे से एंजॉय करिए, बच्चे बड़े सबको खिलाइए।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं वो भी लिख के बताएं। देखिए दोस्तों, हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।